अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और दोस्तों ये है हेलो की मोरी पॉड्स ANC TWS ब्लूटूथ, एक ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ जो कि पाकिस्तान में ऐसे प्राइस पॉइंट पर आती है जहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ब्रांड जो है वो इस तरह के फीचर्स जो है वो आपको ऑफर कर सकेगा। आज की इस वीडियो में इस ब्लूटूथ को हम लोग अनबॉक्स भी करते हैं और साथ के साथ मैंने इसको बाइक के ऊपर भी टेस्ट आउट किया है कि भाई इसका जो ANC मोड है उसको क्यों ना बाइक पे चेक किया जाए कि ANC का जो क्वालिटी है वो कैसी मिलती है और माइक की क्वालिटी कॉलिंग में कैसी देखने को मिल जाती है। सभी कुछ प्रोज और कॉन्स आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। बाय द वे इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 7500 या 7000 रुपये के अराउंड है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको हमारे दिए गए लिंक से 5500 रुपये की जो है वो आपको सेल प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, पहले वीडियो तसली से देखें, आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर ये पूरी निकलती है तभी आप इसकी तरफ जा सकते हैं। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, ये है हेलो की मोरी पॉड्स ANC का बॉक्स, वाइट कलर का टोन है, वैसे आपको दूसरे कलर में मिल जाएंगे। ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को मेंशन किया गया है। रियर साइड पर हेलो की ब्रांडिंग है, HD साउंड, लो लेटेंसी मोड और DSP कॉल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, 30 घंटे का बैटरी लाइफ और साथ ही मेंशन किया गया कि भी 8 घंटे का प्ले टाइम है सिंगल चार्ज में, और अगर आप पावर बैंक से चार्ज करते हैं तब आपको 30 घंटे का एक पावर बैंक जो केस है वो आपको जो है बैटरी टाइम प्रोवाइड करेगा। स्मार्ट टच कंट्रोल्स भी आपको मिलते हैं, तो बॉक्स की डिस्क्रिप्शन काफ़ी बेटर है। यहाँ पर इसको करते हैं ओपन और देखते हैं ये हैं कि अंदर से जो लुक है वो इन बर्ड्स की कैसी मिलती है। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें एयरबड्स मिल जाते हैं, एयरबड्स को फिलहाल हम रखते हैं साइड पर। बाकी कुछ बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं तो यहाँ इस तरह से पैकेजिंग है, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक्स्ट्रा एयर टिप्स आपको जो है वो मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के, ये 4 हैं टोटल। और इसके बाकी बॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमें टाइप सी वाली केबल मिलती है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। एक टाइप सी वाली हमें जो छोटी केबल है वो देखने को मिल रही है, जिसे आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं, कार्ट में भी चार्ज कर सकते हैं, और हेलो की मैनुअल बुक मिलती है। बाकी बॉक्स में कोई कंटेंट नहीं है। तो यहाँ ब्लूटूथ को लाते हैं सामने और ये है मोरी पॉड्स हेलो के ब्लूटूथ। ऊपर वाली साइड मैट फिनिशिंग में है, हेलो की ब्रांडिंग को रखा गया है और ओपन करते ही टोटली जो है मैट फिनिशिंग वाली लुक मिलती है, और एयरपॉड्स मैग्नेटिक वाला जो है यहाँ पर आपको पावर बैंक मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर जो टाइटनेस है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी, मतलब ये निकलेंगे नहीं जैसे कि आप देख रहे हैं। और एक साइड पे टाइप सी की कनेक्टिविटी है, यहाँ पर आपको एक जो है नोटिफिकेशन लाइट भी देखने को मिल रही है, और इसकी जो फ्लिप है, जो इसकी विंडो है, वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है और टोटली जो है वो मैट फिनिशिंग में बनाया गया है। तो इनको हम निकालते हैं बाहर, और अंदर वाली साइड मैग्नेटिक है, राइट पे राइट का मेंशन किया गया है। और नॉर्मली होता है ना कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि भाई राइट पे लगाना है या लेफ्ट पे लगाना है, हालांकि शेप बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर आपको राइट और लेफ्ट की इंडिकेशन जो है वो देखने को मिल रही है। पावर बैंक को रखते हैं साइड पर। अब यहाँ पर अगर एयर टिप्स की बात करते हैं तो मैट फिनिशिंग में है और यहाँ पर स्क्रैच जल्दी फील होने वाला नहीं है। इवन टच सेंसर पर टच सेंसर मेंशन किया गया है कि आपको यहाँ पर टच सेंसर मिलेगा। राइट है और माइक आपको यहाँ पर जो है वो अराउंड कुछ 1, 2 और 3 माइक्स मिल रहे हैं आपको। नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक भी होगा, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक भी होगा, एक है यहाँ पर आपको एक मिल रहा है और एक ही साइड पे मिल रहा है। हम इनको एक्टिवेट करते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर बात करते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है इन मोरी पॉड्स जो है ANC ब्लूटूथ के साथ। ओके दोस्तों, बॉक्स में तो यही कंटेंट देखने को मिलते हैं, वैसे हम लोग इसको एक्टिवेट कर चुके हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने कर लिया है। सबसे अच्छी बात यह कि आपको इन ईयर डिज़ाइन मिलता है इन TWS ब्लूटूथ का, और काफ़ी बेहतर है, कंफर्टेबल है। वेट भी अगर इस पावर बैंक के अंदर आप इन ब्लूटूथ को लगाते हैं तब आपको अराउंड जो है इसका वेट जो है वो 43.3 ग्राम के अराउंड मिलता है, और इसके अलावा अगर दोनों ब्लूटूथ के जो एयर टिप्स हैं इनके अगर वेट की बात करते हैं तो 9.3 ग्राम है। अलग अलग से अगर हम लोग इनके वेट की बात करते हैं तो 4.7 ग्राम अलग अलग इन ब्लूटूथ का हमें वेट देखने को मिलता है। तो कान पर आपको इतना वेट भी फील होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इन ब्लूटूथ में कोई इन एयर डिटेक्शन नहीं है। लाइक आप जब कुछ साउंड वगैरह प्ले करते हैं, जब तक इसको आप पावर बैंक में नहीं रखेंगे
मतलब पावर बैंक में रखेंगे तो वो साउंड ऑफ हो जाएगा, अगर आप पावर बैंक में नहीं रखते तो वो साउंड जो है वो चलता रहेगा, उसके लिए आपको क्लोज करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पर सेंसर कनेक्टिविटी मिलती है, राइट वाली साइड पर भी आपको ऊपर वाली साइड पर एक सेंसर दिया गया है और लेफ्ट वाली साइड पर भी दिया गया है। कॉल अटेंड करने के लिए सिंगल टैप है, प्ले पॉज करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए आपको डबल टैप करना पड़ेगा, नेक्स्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको लेफ्ट वाली साइड पर डबल टैप करना पड़ेगा और पॉज करने के लिए राइट वाली साइड पर डबल टैप करना पड़ेगा। जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें आपको 3 मॉड्स मिलते हैं जो कि राइट साइड से आप ऑपरेट कर सकते हो। अब राइट साइड पर आपको 3 दफ़ा टैप करना पड़ेगा और इसका जो है वो मोड ऑन हो जाता है, ANC मोड ऑन हो जाता है। पहला ANC मोड इसके अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, स्टैंडर्ड मोड है, लाइक आपको जो है लाइब्रेरी या ऑफिस वगैरह में यूज़ करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको दूसरा मोड जो है वो ट्रांसपेरेंट मोड मिलता है, अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करने जाना है, आपने कोई अपना वर्कआउट करना है जिम में, ये ऐसा मोड है जिसमें हल्की फुल्की बाहर की आवाज़ आती रहती है तो वो आप ऑन कर सकते हैं। और जो तीसरा मोड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मोड है, वो है नॉइस कैंसिलेशन मोड, जो कि आपको रशी एरियाज में यूज़ करना है, बस, एरोप्लेन, और जैसे कि जब आप बाइक पर अगर कुछ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो नॉइस कैंसिलेशन है इस ब्लूटूथ का मुझे काफ़ी बेटर लगा, इवन आज तक मैंने इस प्राइस सेगमेंट में इस तरह का ANC मोड जो है वो नहीं देखा। पूरा का पूरा जो है ना वो नॉइज़ जो है वो बिल्कुल रिड्यूस कर देता है। हम लोगों ने इसको बाइक के ऊपर भी जो है वो चेक किया है, पहले आपके इसका जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन माइक वाला जो मिलता है ना, आप उसको बाइक के ऊपर चेक करें कैसा मिलता है, उसके बाद हम लोग आपको जो कॉल रिकॉर्ड हम लोग करेंगे वो भी आपको चेक करवाते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि कैसा है। बहरहाल मुझे काफ़ी बेटर देखने को मिला। तो आउटडोर में हमने कुछ बाइक चलाते हुए इसका जो है माइक की क्वालिटी को रिकॉर्ड किया है 2 ANC मोड्स के साथ। तो ये वाली कॉल रिकॉर्डिंग जो है ये हो रही है ANC मोड ऑफ करके, मैंने बाइक स्टार्ट कर दी है तो बाइक पर चलेंगे। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बाइक का शोर आ रहा है? नहीं, शोर बिल्कुल नहीं आ रहा। नहीं, ओके, शोर बिल्कुल नहीं आ रहा जी। तो ऑडियंस देख रही होगी, वो देख रही है, इस सुन रही होगी कि माइक की क्वालिटी कैसी है। माइक हमने चला लिया, अब यहीं से हम लोग टर्न करेंगे और ऑन करेंगे ANC मोड को, और भी कॉल डिस्कनेक्ट कर दूंगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद दूसरी कॉल भी होगा जो ANC मोड से खुल जाएगी। कॉल मैंने कनेक्ट कर ली है, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और हम बाइक को स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? किसान आवाज़ आ रही? जी जी आ रही। शोर तो नहीं आ रहा? नहीं। ओके, मैं बाइक थोड़ी शीशे बजाऊंगा ताकि एक सेल्समैन को भी पता लग जाए ना कि भाई ये किसकी बाइक की यूज़ करनी। अब आ रही है आवाज़? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बाइक की नहीं आ रही, थोड़ी सा थ्रॉटल दे। बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं। शोर बिल्कुल नहीं आ रहा? नहीं। ओके, मैं किसी जो काफी स्पीड करूँ। हाँ, आवाज आ रही? नहीं। शोर तो नहीं आया? अब ये थी इसकी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन की जो रिकॉर्डिंग्स थी, काफ़ी ज़बरदस्त लगी भाई मुझे। नो डाउट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत बेहतर लगी, इवन विंड का शोर नहीं था। हालांकि मेरा जो मेन माइक लगा हुआ था उसके थ्रू जो है वो नॉइज़ आ रहा था, हालांकि उसमें कोई भी नहीं। -30 dBBS की आपको यहाँ पर जो है डेसिबल्स की जो है वो नॉइस रिडिक्शन जो है वो इस ब्लूटूथ में देखने को मिलती है, जो कि आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में कभी भी किसी भी ब्लूटूथ ने जो है वो ऑफर नहीं की। वैसे तो ये जो ब्लूटूथ है ये 5.2 की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लेके आती है, एक लेटेस्ट कनेक्टिविटी है जिसमें ये कि आप अपने फोन पर और भी जो है वो ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं जिसमें वॉच आ जाती है, जिसमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पर इस ब्लूटूथ के अगर हम लोग साउंड क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ड्राइवर यूज़ किया गया है वो 10 mm का है, और उसके अलावा 10 meter रेडियस एरिया भी ये काम करता है, और साउंड क्वालिटी भी मैं ये कहूँगा कि मैंने इस प्राइस सेगमेंट में रियलमी बर्ड्स Q2 एक ऐसे ब्लूटूथ थे जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए थे साउंड क्वालिटी के हिसाब से, बेस क्वालिटी के हिसाब से, तो यहाँ भी जो बेस क्वालिटी है मुझे कंपैरेटिवली दैट ब्लूटूथ मुझे थोड़ा बेटर देखने को मिला है। मतलब साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा, और जब आप इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन करके जो है कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो जो दोस्त जिनको बोल्ड बेस पसंद है
उनके लिए काफ़ी बेटर है। इवन ट्रिबल वगैरह भी आप इक्वलाइजर अगर सेट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो साउंड क्वालिटी है इन ब्लूटूथ का, आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बेटर देखने को मिल सकता है। हाँ, लाउड काफ़ी है, वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा। हम एक छोटा सा क्लिप चला रहे हैं जिसके ऊपर आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग इन ब्लूटूथ को निकाल के बाहर रखते हैं तो फिर उसके बाद क्या वॉइस है, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। फिलहाल काफ़ी लाउड और काफ़ी बोल्ड साउंड क्वालिटी मिलती है। अब ये था साउंड क्वालिटी। आ जाते हैं लो लेटेंसी मोड। अब कंपनी ने कोई मेंशन नहीं किया यहाँ पर कि आपको कितनी लो लेटेंसी मिलती है, बट हमारा एक्सपीरियंस यहाँ लो लेटेंसी का भी मोड है। एक बात याद रखिएगा, लेफ्ट साइड पर आप तीन बार, लेफ्ट साइड वाला जो टिप है इस पर लो लेटेंसी मोड ऑन करने के लिए आप तीन बार क्लिक करेंगे तो जो लो लेटेंसी मोड है, गेमिंग मोड उसको आप कह सकते हैं, वो ऑन हो जाता है। और सच में भाई यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मैं ये कहूँगा कि ब्लूटूथ, देखो लेटेंसी होती है ब्लूटूथ में, कोई भी अच्छे से अच्छा ब्लूटूथ हो, चाहे एप्पल के एयरपॉड्स आप 40-45 हज़ार वाले ले लो, तब भी आपको जो है वो लेटेंसी मिलती है। तो लेटेंसी है बट एक्सपीरियंस बहुत बेटर है। मेरा अंदाज़ा है कि यहाँ पर 8-10 जो है मिली सेकेंड का डिले ज़रूर है, लेकिन इसमें भी हम लोगों ने दफ़ा ये किया कि आप जो एक क्लिप चेक करें इसमें आपको डिले का अंदाज़ा हो जाएगा। बहरहाल बहुत नोटिस करने के बाद, हाँ अगर आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंपेटिटिव खेलता है या बहुत ज़्यादा रश गेम करता है उसको थोड़ा बहुत फील होने वाला है, अगर नॉर्मल या कैजुअल प्लेयर हैं तब आपको यहाँ पर लेटेंसी का डिले है वो बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ये वाला क्लिप भी चेक करें, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। अब ये तो बात होगी लो लेटेंसी की, सच में अच्छी है। बात करते हैं कुछ इस इन ब्लूटूथ के जो बैटरी बैकअप्स हैं उनकी। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पावर बैंक है ये 310 mAh का है, टाइप सी से कनेक्ट होता है, और साथ के साथ ये जो ए टिप्स हैं ये 43 mAh में आपको एक टिप का जो बैटरी है वो आपको देखने को मिलता है। 43 आपको 86 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो ये वाले जो ब्लूटूथ हैं ये अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ यूज़ करते हैं तो 8 घंटे का आपको बैकअप प्रोवाइड करते हैं और 22 घंटे का इस पावर बैंक के साथ। लाइक आपने इस पावर बैंक को चार्ज करना है तो 22 घंटे का आपको जो है वो कंटिन्यूसली बैटरी बैकअप जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं ये ब्लूटूथ। और अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर देते हो तो आपको 9 घंटा कंटिन्यूसली प्रोवाइड करता है, उसके साथ इस पावर बैंक के साथ आपको 24 घंटे का एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। चार्ज करने के लिए आपको अराउंड जो है वो 1.5 घंटा लगता है इन एयरबड्स को चार्ज करने के लिए, और पावर बैंक को चार्ज करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम लग जाता है अगर आप 2 वॉट पर जो 5 एम्पेयर पे जो है वो अगर आप चार्ज करते हैं। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस इन ब्लूटूथ के साथ। कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसा कि कंपनी ने इसके अंदर IP रेटिंग कोई मेंशन नहीं की गई। हालांकि अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखूं तो बिल्कुल जो है ना वो एक IP रेटिंग वाली बिल्ड क्वालिटी निकल कर आती है, मुझे फील नहीं हुआ। आप बहरहाल इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, लाइक अगर खुदा ना खासा कोई पानी चला जाता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि IP रेटिंग नहीं मिलती। ये एक मुझे मिसिंग नज़र आई है। यहाँ पसीना वसीना ज़्यादा आता है तो थोड़ा बहुत इग्नोर कर दीजिएगा। बहरहाल फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो सिर्फ IP रेटिंग वाला एक मुझे कॉम्प्रोमाइज़ लगा है, बाकी ओवरऑल ये ए टिप्स ऐसे हैं कि अपनी प्राइस सेगमेंट में साउंड क्वालिटी सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक्टिव नॉइस कैंसलेशन आपको देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी बड़ा है, और साथ के साथ जो लो लेटेंसी है वो भी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल रही है। शेप और साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो स्लिम एंड स्लीक डिज़ाइन है, शेप भी मुझे अच्छी पसंद आई है। आपको कैसी लगी ये ब्लूटूथ, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर टिल नाउ अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड है इसको बाय करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।